स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त के दिन जो हमारे रिटायर्ड कर्नल जिनका नाम था वीरेंद्र सिंह चौहान, उनके ऊपर कुछ आदमी ने हमला किया जो जाति से एससी थे और उन्होंने उनके ऊपर हमला करके झुट्टा ही अपनी पत्नी को आज्ञा करके एक अपर जिलाधिकारी ने उनके ऊपर झुट्टा मुकदमा लगवाया, उनके ऊपर छेड़छाड़ अपहरण और SC ST एक्ट को लगवा करके उनको जेल पहुंचाया। पुलिस प्रशासन ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया। एक 75 साल का बुजुर्ग जो सेना में रहा, इतना अनुशासित आदमी है, वो भला कैसे किसी को भी पार्क के अंदर कैसे किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, कैसे वो इतनी उसका अपहरण कर सकता है, और इस तरह के गंभीर आरोप वो भी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर लगाए जा रहे हैं। ये राष्ट्र को तोड़ने की एक साजिश है और सरकार ने जो कानून बनाया है इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। हम सरकार से मांग करते हैं इसी तरह से जैसे इन्होंने एक कानून बनाया है उसमें संशोधन करके कानून बनाया जाए, जो भी इस SC ST एक्ट का दुरुपयोग करता पाया जाए उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए और 5,00,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगे। नहीं तो इसमें झूठे केस दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक प्रधानाचार्य पर लगाया था एक डांट मारने पर एक बच्चे को, वो बच्चा अनुसूचित जाति का था, सिर्फ उस पर डांट मारी और उसने आरोप लगा दिया कि मेरे जाति सूचक शब्द बोल ले। इस तरह तो शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे और जो सम्मानित लोग हैं वो सम्मान से रह भी नहीं पाएंगे। एक बार बार बता दो कि हमें जाति सूचक शब्द बोलना है और अपना जेल पहुंच जाओ और अपनी बेइज्जती कराओ। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं इसका दुरुपयोग अभी से शुरू हो गया है, इसको तुरंत रोका जाए। और इसका रोकने का एक ही तरीका है, हम जो पर्वत नागरिक हैं इस समाज के, हम मांग करते हैं कि इसको कानून को बदलने के लिए तुरंत इसमें एक संशोधन किया जाए कि जो भी इस SC ST एक्ट का दुरुपयोग करता पाया गया उस पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। नहीं तो इस समाज की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इससे देश को भी खतरा है, क्योंकि इसका फायदा उठा करके जो बाहरी आक्रांता है वो समाज को तोड़ेंगे और यहाँ पे गृह युद्ध की तरफ ले जाएंगे। तो हम सरकार से, जो मोदी सरकार है जो अपने आप को राष्ट्रवादी बोलती है, हम इससे मांग करते हैं इसमें तुरंत संशोधन किया जाए। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक प्रशासनिक अधिकारी साथ साठगांठ करके एक सम्मानित कर्नल का जो अपमान किया है, उन सभी पुलिस अधिकारियों पर कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हो, उनको भी जेल भेजा जाए और आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो इसके लिए भी कानून की व्यवस्था करे, ये हमारी मांग। हमने रोरी गांव में सूरजमल अखाड़ा और वो धर्मरक्षक वीरांगना सेना की तरफ से एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य है SC ST जो एक्ट है इसके का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कर्नल चौहान के खिलाफ भी FIR हुई है, अभी किसी महिला ने झूठा आरोप लगाया और वो भी एक ADM की पत्नी, ऐसे ऐसे जो उच्च अधिकारी हैं वो भी उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिनके संज्ञान में आना शुरू हुआ है, अभी तो छोटे तबके के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, तो इसका कितना दुरुपयोग होगा। सरकार क्या चाहती है कि पूरा देश टूट जाए, जाति में बांटना चाहती है? सरकार की जिम्मेदारी है कि इस एक्ट के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे और इसके खिलाफ जो इसका दुरुपयोग कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जल्दी कार्रवाई हो, इसका जल्दी से जल्दी रोकने का प्रावधान करे।